अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडी टू कुक। आज मैं आपको फ्रेश एप्पल जूस बनाना सिखाऊंगी। एप्पल जूस बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स में फ्रेश एप्पल चाहिए। आप चाहें तो शुगर और ब्लैक साल्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। और जो जूसर है, इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये मैंने अब मशीन में एप्पल डालने हैं। ये देखें, यहाँ से एप्पल डालें इस तरह से, और इसको ऊपर से इस तरह प्रेस करना है। और ये जो बटन है, ये नीचे यहाँ पे नंबर 2 पे जूसर लिखा हुआ है, इसको मैंने प्रेस करना है, तो ये यहाँ से जूस बनाएगी। तो ये देखें, ये मैंने इसको प्रेस करना है और ये स्टार्ट हो गई। अब मैंने इसको ऊपर से प्रेस करते जाना है। यहाँ से हम सर्किट ब्रेकर को दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। तो ये मैंने ऊपर से एप्पल डाल के इसको प्रेस किया है, तो ये देखें यहाँ से इसने जूस निकाला है। तो अब हम बाकी एप्पल्स का भी जूस निकाल लेते हैं। ये देखें, यहाँ से आप एप्पल्स डालें और ये ऊपर से प्रेस करें। तो तैयार है एप्पल का फ्रेश जूस। आप इसे घर में ट्राई करें, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दें, उन्हें भी इससे एनर्जी मिलेगी। और ये फ्रेश एप्पल जूस आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। आप इसे रोज़ाना बना के इस तरह से सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ब्लैक साल्ट या शुगर भी डाल दें, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश ही पसंद करती हूँ। और मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।